नमस्कार, मैं सरिता कुमार और असम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है सुरेंद्र सिंह, जो कि यूथ फॉर सोशल जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि बहुजन समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IPS जैसे उच्च पदों पर आ जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें दलित ही क्यों माना जाता है, उन्हें ऊपर क्यों नियुक्त नहीं दिया जाता? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि दलित ही क्यों, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, सामाजिक परिदृश्य है। हम अगर इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो यह देश मूल निवासियों का देश रहा है। यहाँ पर हजारों साल पहले आर्यंस आए। आर्यंस यहाँ पर जो यहाँ के मूल निवासियों से मिलते हैं, जुलते हैं, और जो मूल निवासी बड़े सीधे साधे सरल थे, उन्होंने इनको आगे जगह देते हैं, रहने को जगह देते हैं। लेकिन छल कपट के द्वारा ये जो आर्यंस हैं, ये उन पर राज करने लग जाते हैं, और तब से लेकर इतिहास गवाह है, इन्होंने इनको, इनकी नज़र में जो यहाँ के मूल निवासी, वो साधारण दर्जे के, निम्न दर्जे के, और घृणित रूप से ही उनको देखा गया है। अशोक से पहले, मौर्य साम्राज्य से पहले नंद साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और ये कहा जाता है इसके बारे में, ये भी भ्रांति का हो, मिथ का हो, या ऐतिहासिक तथ्य है, कि जब सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, वो भारत में, उसने नंद साम्राज्य के बारे में सुना। नंद साम्राज्य के बारे में सुनते ही उसका शायद निश्चय इरादा ही बदल गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नंद साम्राज्य, ये दलितों का ही साम्राज्य था। नंद जो सम्राट था, एक दलित परिवार से था, और उसने उसके समय में एक जो जिसने पूरा विश्व जीत लिया, वो उसके आगे, वो नंद के आगे कहते हैं झुक गए। और देखिए, उसी नंद को उनका जो, जिन्हें आप कहे पुजारी, पुरोहित था, जिन्हें चाणक्य कहा जाता, विश्वगुप्ता, वो उसको मानने को तैयार नहीं था। जिसके सामने सिकंदर झुक जाता है, उसको एक जो उसका छोटा सा चाटुकार कहें, पुरोहित कहें, वो चाणक्य, उसको सर्वश्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं होता है। और उसी की गलत नीतियों के कारण, क्योंकि नंद सम्राट को पता चल गया था ये गलत समाज के अंदर, पूरे प्रजा के अंदर गलत प्रचार कर रहा है, तो वह उसको निकाल देते हैं, बेइज्जत करके निकाल देते हैं। इतने बड़े साम्राज्य से उसे निकाल दिया था। फिर देखिए, वह जिससे सिकंदर डरता है, वो उसके खिलाफ़ साजिश रचता है, और उसके लिए उसके ही अपने एक मूल निवासी व्यक्ति को, चंद्रगुप्त को, वो तैयार करता है। ठीक है, वो कैसे न कैसे आपस में दो मूल निवासियों को लड़वा कर फिर राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद वो, देखियो, वो राजगुरु बन जाता है। इतने जो एक दूसरे महान नंद साम्राज्य को हराने के बाद चंद्रगुप्त, वो उसको हरा देता है और उसका भी राजगुरु बनता है। तो हमेशा से ये रही है, आपस में लड़वा के और ये खुद राजा बनते हैं और दूसरे को नीच इनकी नज़रों में हमेशा रहें। इसी तरह से हम धीरे धीरे आएंगे, चाहे गुप्तास पीरियड में, चाहे उसके बाद आपके धीरे धीरे मध्यकाल के अंदर आते हैं, और उसमें भी हम देखते हैं ये मिल तो जाते हैं। उसके बाद मुग़ल आए, मुस्लिम आए, ये उनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन इस बीच इनकी सोच नहीं बदलती। उस समय भी पराक्रमी राजा उभरते हैं, लेकिन इनकी नज़रों में जयचंद के बारे में आप सुनते हैं, लोगों ने कहा कि वो गद्दार है, लेकिन वो गद्दार नहीं था, वो मूल निवासी समाज का था। और जयचंद बौद्ध भी था, और वह अपनी राजा, अपनी प्रजा की बात करता था, लेकिन उसके साथ कुछ गलत होता है, और वह काम नहीं करता, वो उनको इनवाइट नहीं करता, वह अपनी बात रखता है, लेकिन उसको, उसकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी कि जनता उसके समय में बहुत खुश थी। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका प्रचार होता है, तो उसे भी यहाँ की जो इतिहास के अंदर, उसे भी गद्दार घोषित किया जाता है। तो आप देखिए, इनकी नज़र में अगर कोई मूल निवासी व्यक्ति और बहुजन का व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, तो हमेशा ये उसको घृणित या उसे छोटा करके देख देते हैं। इसी तरह से आप देखिए, इतिहास है भीमा कोरे गाँव का, वहाँ पर 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को काट दिया, और वो जो महार मूल निवासी थे, उन्होंने 2-3 दिन तक, हो सकता उनको पूरी तरह, जितना ज्ञात है मुझे ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा, वो आते हैं, उनको पूरी तरह खाना पीना नहीं मिला, वो भूखे प्यासे रह के भी, और जो पूरी टुकड़ी आती है 28,000 की, उसमें घुड़सवार, हाथी और हर तरह के जो सुसज्जित सेना थी, उनको हरा देते हैं भूखे प्यासे। लेकिन उसके होने के बावजूद
वो उनकी प्रशंसा करना तो दूर, उनका नाम तक लेके नहीं आते। और इतिहास में वर्णित ये किया जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के द्वारा उनके हराया, तो कहीं ना कहीं ये हमारी पराक्रम को भी एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा ये हमें मानने को तैयार नहीं किए, पराक्रमी हैं। दूसरा, आप बुद्ध को देखिए, रविदास जी को देखिए, घासीदास जी के, कबीरदास जी, ये हमारे गुरु रहे हैं जिन्होंने मूल निवास की परंपरा को कायम रखा और ज्ञान को, अपने ज्ञान के द्वारा विश्व में एक ख्याति प्राप्त करी। और इन्होंने उसी रविदास जी को, कबीरदास जी को, घासीदास जी को, गाडगे बाबा और इन सबके, पेरियार जी, इन सभी की ख्याति को भी इन्होंने पूरी तरह काट के रखा। पूरी विश्व में आज इनका बोलबाला, लेकिन इनकी नज़रों में अगर बात करो तो कहते हैं ठीक है, छोटे गुरु, निर्गुण गुरु बता के उनको, उनके कद को छोटा करने की कोशिश करते। तो यह तो एक परंपरा है कि बहुजन नायक नायिकाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश होती रही है। और अगर थोड़ा आगे बताइए तो दलित हैं और उनके शब्दों के द्वारा इनको छोटा करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, आप देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी ने सुना होगा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का नाम के साथ एक झलकारी बाई भी थी जिन्होंने असली पूरा युद्ध उन्होंने लड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसके जो आंदोलन को, उसकी मेहनत को पूरा कमतर रखा गया और नाम हमेशा लक्ष्मीबाई को किया, क्योंकि वह एक दलित थी। क्योंकि वो, आप इतिहास उठा के देखिए, इतने बड़े बड़े पराक्रम योद्धा ज्ञान के रूप में हर तरीके में जो दलित समाज, बहुजन समाज का व्यक्ति आगे करता, लेकिन पूरी तरह से जो झलकारी बाई कोरी उसके नाम को शांत कर देते हैं। दूसरा, इसी तरह से कोरे गांव के महारों को, उनके पराक्रम को शांत कर देते हैं। तो इनका काम है कि इनके पराक्रम को दिखाना नहीं, अगर कहीं गलती से वो सामने आता है वो कहते हैं तो छोटी जाति से, तो सब ये तो साथ में थे, ये तो बस खड़े थे, तो उनके पराक्रम को दबाना ये एक इतिहास है। उसी ऐतिहासिक कड़ी में बाबा साहब हमारे सामने एक ऐसा चेहरा नज़र आते हैं जो कि एक से साधारण परिवार से, अपनी मेहनत से, जिसके बारे में आप कई जगह आते हैं कि जिसको स्कूल में जाने नहीं दिया, उसने देश का संविधान लिखा। ये बात सही है, उन्होंने हर वो परिस्थिति से गुजरे, उन्हें कदम कदम पर उनको रोका गया, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को साबित कर दिया। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को वर्तमान उनके समय के अंदर उन्हें देशद्रोही तक घोषित करने की कोशिश की गई, उनको गद्दार भी कहा गया, कई मंचों पर उनके खिलाफ़ नारे लगाए गए, और नारे दूसरों ने नहीं, हमारे अपने भारत के वासियों ने, जब तक बाबा साहब जिंदे रहे उनके समर्थन में कभी बात नहीं, और हमेशा उनको कमतर आंका गया। तो लेकिन ये देश की जनता है, जब देश की जनता ने बाबा साहब के योगदान को समझा तो उन्होंने उसको जब आगे लगे तो ठीक है। और देखिए, उसके योगदान को भी कम करने के लिए उन्होंने उन्हें, उनको जो कद को के संविधान निर्माता हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, तो इस तरीके से आप एक लंबा इतिहास है कि हमारे सारे योगदान को कम तरह का जाता रहा है। आज जिस तरह से आपने कहा कि हमारे अफसर बन रहे हैं एक अच्छी पोजीशन पर आने के बावजूद, जैसा कि इतिहास है, हम कितना भी अच्छा प्रकार में कर लें लेकिन हमारे योगदान को बताएंगे नहीं, क्योंकि डर लगता है, एक डर है उनके मन में कि अगर हम इनके योगदान को वास्तव में सच दुनिया के सामने बता देंगे तो उनका जो समाज है वो जागृत हो जाएगा। वो चाहते नहीं है कि हमारा समाज जागृत हो। आज हमारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी दलित वर्ग से बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रणब मुखर्जी अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो ये नहीं कहते ब्राह्मण राष्ट्रपति बना है, वेंकैया नायडू बनते हैं तो ये नहीं कहते ब्राह्मण उप राष्ट्रपति बना है, लेकिन कोविंद साहब बनते हैं, के आर नारायण बनते हैं तो कहते हैं एक राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति बना है, जैसे कि दलितों ने ही उसे वोट दे के चुना है और दलित समुदाय का नेता नहीं, अरे वो भारत देश का राष्ट्रपति बना है। तो ये सोच तो हमेशा कहीं ना कहीं, ताकि वो एक सीमित दायरे में रखना इसलिए चाहते हैं ताकि जो पूरे देश का जो सम्मान उनको ना मिले, दलित कह के पूरे दूसरों को काटने की कोशिश है उनके मनोवैज्ञानिक रूप से, उनको एक कमतर आंकने की कोशिश है कि उनको छोटा और कर देने की। तो ये हमेशा है कि हमारे योगदान को हमेशा छोटा किया जाता रहा है, हमारा कोई भी अगर व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दलित कह के उसके, ताकि उसको जो समर्थक बहुत कम कर दें, उसे ये नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति है या देश का खिलाड़ी। आज हिमा दास देश के लिए गोल्ड लेके आती है, लेकिन ये कहते इनका कोई ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दलित वर्ग से आती है, उसको भी कहने की कोशिश करते हैं देखिए हमने मौका दिया। तो ये जो भेदभाव और ये तुच्छ राजनीतिकरण और जो इस कटाव है, ये कहीं ना कहीं उनको, वो चाहते हैं कि वो जिस तरह से बढ़े हम उनको रोकें। तो उसी तरह से जो आपने बात कही कि वो दलित दलित होता है, ये दलित तो हम देखा जाए तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो मजबूती दिखाना नहीं चाहते, उनको डर लगता है इनकी मजबूती से। एक तो बड़ी मुश्किल से हमारा व्यक्ति सामने आता है,
सामने आता है तो पूरी कोशिश है कि कितना इग्नोर करो, इग्नोर करके भी उभर के आता है तो उनको एक शब्दों में सीमित कर देते हैं कि दलित है। दलित कहने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा वर्ग जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारा देश यहाँ पे जातीय मानसिकता से ग्रसित है। दलित के नाम पे जो दूसरे समाज का व्यक्ति है वह अच्छा, उसकी अच्छाई होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इस पूरे भारत देश के अंदर जो मनुवादी वायरस जिसे हम जहर कहें वो हर किसी के दिल में इतना अंदर घुस चुका है, उनकी नसों तक पहुँच चुका है कि अगर हम किसी को एक वर्ग के अंदर कर देते हैं तो वह व्यक्ति देश का नहीं होकर एक वर्ग का हो जाता है। तो यही वो कोशिश करते हैं। मायावती जी कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनती हैं, चार बार आप देखिए उनका शासनकाल अन्य शासनकाल से बेहतर था। आज उनको उनके वर्तमान समय में टाइम मैगजीन के अंदर दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ आठवीं महिला घोषित किया, लेकिन उसके बावजूद भारत देश के अंदर उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। वो फार्मूला वन रेस बनाते हैं जो दुनिया का दूसरा ऐसा रेस है जो अपने आप में बहुत बड़ा डेवलप है, लेकिन उसके बावजूद उसके योगदान को नहीं दिखाते हैं, उनको योगदान को नहीं दिखाते और उनको सिर्फ दलित लीडर बना के छोड़ देते हैं। ये देखिए वो हमेशा चाहेंगे अगर दलित समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो कहते हैं दलित समाज का नेता, लेकिन अगर मोदी आगे बढ़ता है तो ये नहीं कहते, ये कहते हैं घाची बनिया समुदाय का नेता है। अगर अमित शाह आगे बढ़ता है ये नहीं कहते कि जैन बनिया समुदाय का नेता है, उन्हें वो राष्ट्र का नेता बनाते हैं। तो ये है कि अपने व्यक्ति को जो कि 1-2% हैं उसको राष्ट्र नेता बनाते हैं, लेकिन दूसरा जो दलित वर्ग से होता है, चाहे मायावती जी हो, लालू हो, मुलायम हो, जितने भी हो, उनको दलित ओबीसी लीडर ही बनाकर उनके जो दायरे को सीमित रखना चाहते हैं और संपूर्ण देश के अंदर, और दलित भी नहीं सिर्फ एक जाति का बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी एक जाति का उनको सीमित करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा परंपरा से रही है कि दलित बहुजनों के योगदान को छोटा करके रखा जाता है और उन्हीं का कोई अफसर जाता है तो उसके संपूर्ण योगदान को झुटला कर, उनकी पूरी महत्वता को झुटला कर, उसको दलित बनाकर उसके पूरे योगदान को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मनुवादी षड्यंत्र है कि कैसे न कैसे दुनिया को इनकी ताकत का ना पता चले। ये अलग बात है दुनिया हमारा लोहा मानती है। बाबा साहब आज ऑक्सफोर्ड के अंदर चौथे नंबर पे आते हैं, दुनिया विदेशों में बाबा साहब को पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब को भारत में वो सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। लेकिन वो कितना हमें दबा दें, बाबा साहब की मुझे इस पर याद आती है, बाबा साहब कहते हैं मैं तो वह बीज हूँ कि उन्होंने मुझे मिट्टी में दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मिट्टी में मुझे दबाया मैं तो पौधा बन के निकला और एक पेड़ बन के इस समाज को आश्रय दिया। तो हम भी तो दलित समाज वो है, आप हमें दबाओगे लेकिन हम दब के भी एक अपनी पहचान बनाएंगे और अपना एक ऐसा बड़ा वृक्ष बनाएंगे और पूरे समाज को, पूरे देश को शीतलता प्रदान करेंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुरेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस जैसे उच्च पद पर होने के बावजूद भी दलित दलित क्यों रहता है, उसे अछूत क्यों माना जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।